तो आपके एक टीवी पे आप कनेक्ट कर सकते हैं 3 HDMI कनेक्शंस एक ही समय पे। जी हाँ, इसका मतलब आपके एक सिंगल टीवी पे आप 3 HDMI डिवाइसेस PS3, PS4 या कोई और साथ में कनेक्ट करके रख सकते हैं। यार टेक फिल्म्स, अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। बीआर टेक फिल्म्स में आपका स्वागत है दोस्तों, और आज ये है मेरे पास में एक HDMI स्प्लिटर। यहाँ पे इसका दाम है 1999, लेकिन ये आपको मिलेगा 450 के आसपास अमेजोन पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है इसका लिंक। बेस्ट बात यह है कि ये HDMI स्प्लिटर हर डिवाइस पे काम करेगा जहाँ पे भी आपका HDMI सपोर्ट करता है। अब होता क्या है कि कई बार आप अपना लैपटॉप, अपना सेट टॉप बॉक्स, अपना एंड्रॉयड बॉक्स, PS3, PS4 ये सारी चीज़ें टीवी पे कनेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि एक समय पे आपको एक ही चीज़ वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपको दूसरी चीज़ कनेक्ट करनी होती है तो आपको HDMI के स्विचेस चेंज करने पड़ते हैं, यानी कि HDMI की तार आपको बदलनी पड़ती है बार बार, पीछे टीवी के निकाल के दूसरी डिवाइस की तार लगानी पड़ती है, या फिर बॉक्स से तार निकाल के कंप्यूटर में, कंप्यूटर से निकाल के PS3 या 4 में। तो वहाँ पे ये HDMI स्प्लिटर बहुत काम आता है। मैं इस HDMI स्प्लिटर को पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, और ये मंगवाया मैंने स्पेशली इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे एक और HDMI स्विच की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मेरे टीवी पे सिर्फ एक ही HDMI इनपुट है। तो यहाँ पे आप 3 HDMI डिवाइसेस कनेक्ट करके रख सकते हैं हमेशा। तो आप जौन सा भी डिवाइस टीवी पे देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टीवी पे एक समय पे एक ही डिवाइस चलेगा, तो आप इजीली यहाँ से सिर्फ एक बटन दबा के स्विच कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करता है, और इससे क्लैरिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आता, क्योंकि ये HDMI कनेक्शन ही है, बस स्प्लिट करने के काम आता है कि वन एट अ टाइम कौन सा डिवाइस आप जो है उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं टीवी पे। तो HDMI के थ्रू आप सारे 3 डिवाइसेस, कोई भी 3 डिवाइसेस जो भी HDMI से आप कनेक्ट करते हैं अपने टीवी पे, वो इस स्प्लिटर में जो है आप कनेक्ट करके रख सकते हैं, और जौन सा भी डिवाइस आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 3 स्लॉट हैं, 1 स्लॉट में मैं एक एंड्रॉयड बॉक्स लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ एंड्रॉयड बॉक्सेस ही हैं यहाँ पर। और सेकेंड स्लॉट में जो है, ये 1 स्लॉट में मैंने गोल वाला एंड्रॉयड बॉक्स लगाया 10X का, ये सेकंड स्लॉट में मैं दूसरा एंड्रॉयड बॉक्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली स्विच हो गया। अब होगा क्या, ऐसे ही ये कनेक्शन रहेगा। तो जब आपको 3 लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 ही कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे 2 ही डिवाइसेज हैं। तो आप स्विच किस तरह करेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पर ये बटन है, ये दबाया तो हमारा जो दूसरा बॉक्स है अब उसका डिस्प्ले आ गया है टीवी पे। अब यहाँ पे देखिए HDMI चेंज हो गया। तो ये उनके लिए बेस्ट है जो बार बार डिवाइसेस चेंज करते हैं, और केबल उनको बार बार निकालनी पड़ती है अपनी एक डिवाइस से फिर दूसरे डिवाइस से, तो कंटिन्यूसली वो यहाँ पे इसकी मदद ले सकते हैं इस स्प्लिटर की, और 3 डिवाइसेस वन एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, और 3 डिवाइसेस हमेशा आप इस पर कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो 3 आपके फेवरेट डिवाइसेस आपके इस टीवी पे कनेक्टेड रहेंगे, और जौन सा भी डिवाइस आपको जिसका भी डिस्प्ले टीवी पे देखना है आप उसको यहाँ से 1, 2 और 3 जिसमें भी आपके HDMI केबल है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ईजी टू यूज़ है और बेस्ट है। HDMI स्प्लिटर तो और भी आते हैं सस्ते, लेकिन ये वाला स्पेशल है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। अगर आपको लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए मुझे, BR Tech Films इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।